जब कभी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से फतुहा स्टेशन आने वाला होता, जहां से उस समय मार्टिन कंपनी की छोटी लाइन इस्लामपुर की जानिब जाती थी, तब कलीम अपने सर और आंख पर कपड़ा लपेटकर अपनी सीट पर लेट जाते और जोर से बर्थ की लकड़ी को थाम लेते, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो चलती हुई ट्रेन की खिड़की से फतुहा छोटी लाइन और ट्रेन को देख लेंगे तो वो ट्रेन से कूद जाएंगे। 1947 से 1957 तक सफर करते हुए उन्होंने इस तरफ कभी नहीं देखा, लेकिन 1957 में कलीम ने एक दिन इरादा कर लिया। अब के इस बरसात में गंज शहीदां पर चले, आसमां रोएगा अपनी गजलें गाएंगे हम। उस दिन एक झोली टांगे कलीम फतुहा छोटी लाइन की ट्रेन पर सवार होकर चल दिए। स्टेशन से बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क पक्की हो चुकी थी, जो पहले कच्ची मिट्टी की थी, कोलतार की बन चुकी थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि भूखे के होंठ पर किसी ने घी लगा दिया हो, पर कलीम को ईंट पत्थर सीमेंट और कोलतार की जगह खून हड्डियां आंसू और झांकती हुई आंखें नजर आ रही थी। कलीम सड़क से उतरकर किनारे किनारे कच्ची जमीन पर चलने लगे। सितारे बन के मेरी खाक के जर्रे चमकते हैं, जमी उनकी गली की आसमां मालूम होती है। कलीम बस्ती पहुंच चुके थे पूरे 11 साल बाद। बस्ती के लोगों ने कम उम्र में उन्हें देखा था, इसलिए किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कलीम अपने घर के सामने थे, जिसका कुछ हिस्सा ढहने से बच गया था। अब उसमें पुलिस चौकी कायम कर दी गई थी, जिसे देखकर कलीम को ऐसा मालूम हो रहा था मानो जिस जख्म पर बरसों से अंगारा रखा हो, उस पर किसी ने मरहम रख दिया था। कलीम घर के सहन में दाखिल हुए और अपनी छाती जमीन से लगाकर घास पर पड़ गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो सारी दुनिया ही सुकून, ठंडक और खुशबू उनके सीने में दाखिल कर रही हो। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें उनकी माँ ने अपने आगोश में ले रखा हो। बरसों की जलन, तड़प और तपिश एकाएक सुकून में तब्दील हो गई। अब तक पुलिस चौकी के थानेदार, हवलदार और कांस्टेबल कलीम के करीब जमा हो चुके थे। कलीम ने उठकर उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि वो उनके ही किराएदार हैं। फिर 11 साल पुरानी कहानी उन्हें मालूम हो गई। थाने का सारा स्टाफ उनसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पेश आया। इधर आनन फानन पूरी बस्ती में यह खबर दौड़ गई कि 11 साल बाद इस गांव में एक मुसलमान आया है। वो इसी गांव का है और कोई दूसरा नहीं बल्कि कलीम आया है। और देखते ही देखते कलीम के नजदीक बूढ़ों, जवानों, औरतों और बच्चों का हुजूम जमा हो गया। किसी की आंखें डुबडुबाई हुई, किसी के होंठ पर हल्का सा तबस्सुम, किसी के चेहरे पर हैरत, और आवाज गूंजती है, आए कलीम एलन है, कलीम बाबू हथिन, कलीम कलीम कितन है कलीम। 70 बरस की सुरजी तमोलन भीड़ को चीरते हुए बढ़ रही है, कितन है कलीम, इधर है हम सुरजी। ओहो कलीम हो, हाय बेटा क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, सुरजी तो तुम्हारी माँ के साथ ही मर गई बेटा, अब बस्ती में तो कुछ ना है बेटा, बस्ती तो खत्म हो गई ली बेटा। बूढ़ी हो चुकी बत्थू पास ही की जोरू झुकी झुकी आई और दूर से ही कलीम की बलाएं लेती हुई बोली, हाय मतू जी, कोड़ियन के हाथ न फूटल, बेटा तो कहां है, हम तो पटना में है मैया। और नसीम कहां है, वो भी मेरे साथ पटना में है, दुख सुख गुजर गई ली बेटा, तू आजा यहां बैठ जा। इधर राम खिलावन की अधेड़ बीवी घूंघट में से मुस्कुराते हुए बोली, हमरा चिन्हा हा कलीम, हाँ तुमको पहचानते हैं भाभी, कब आइबा कलीम, देखो क्या कहें, और हमको पहचानते हो कलीम, मेल जोल की वजह कर इनकी जुबान साफ थी। ये परशादी सुनार की जवान बेटियों की आवाज थी, जो कलीम की हम उम्र थी। घर में आना जाना था, घर की दीवार एक थी। कलीम बचपन में साथ खेला करते थे, सयानी हुई तो पर्दे में रहने लगी थी,
कभी कभार सलाम प्रणाम हो जाया करता था, पर अब बिल्कुल जवान थी। बस्ती से एक तहजीब के पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजह से पर्दादारी अधिक न थी। घूंघट निकाले कई लड़कियां खड़ी थीं। हमको पहचानते हो कलीम? नहीं, हम तो नहीं पहचान रहे हैं। अरे कलीम, हम परशादी सुनार की बेटी है ना? अच्छा, हीरा रानी, सोना रानी, रूपा रानी। हाँ हाँ हाँ, तीनों की आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कुराहट, मानो ये गम और खुशी का मेल था। आंख में आंसू, तबस्सुम लब पे था अहबाब के, जब खुशी के लिए मैं गम की रागरानी गाई गई। राम प्रसाद माली का जवान बेटा, जिसके साथ कभी कलीम पहलवानी का जोर आजमाया करते थे, उसके बनाए हुए गजरे को हाथ में और माला को गले में डालकर कलीम इमामबाड़े के चबूतरे पर बड़े शान से बैठा करते थे, दौड़ा दौड़ा गया और चंद मिनट में मिले जुले फूल का हार बनाकर लाया और बोला, आज हमरा हाथ से हार पहनला कलीम बाबू। जरूर पहनेंगे रामकिशन, लाओ गले में डाल दो। फिर उसने गले में हार डाल दिया। इधर हार गले में रामकिशन ने डाला और उधर सुद्धू सुनार ने जोर से नारा लगाया, कलीम भैया की जय। सुद्धू सुनार को नाटक और ड्रामे का बहुत शौक था। बचपन में कलीम ने उसके तमाशे बहुत देखे थे। उसके जय के नारे पर तमाम बच्चों ने और जवान लड़के जो वहां खड़े थे जोर से जय कहा। बड़ी देर से खामोश खड़े थाने के सब इंस्पेक्टर कलीम के बगल में खड़े हो गए और बोले, कलीम साहब और भाइयों और बहनों, मैंने आज तक प्रेम भाव मोहब्बत का ये दृश्य नहीं देखा था। आज ऐसा हो रहा है तो कल वैसा क्यों हुआ? कलीम खामोश होकर बैठ गए। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मास्टर रमेश, जो पास के हाई स्कूल में टीचर थे, बोल उठे, क्यों हुआ ये ना पूछिए दरोगा जी, वो तो होना ही था, ये पूछिए किसने किया। मैं जानता हूं दरोगा जी किसने किया, आप नहीं जानते। आज भी वो आपके करीब है और हमारे करीब है। हम ही मैं हैं, यहां पर नहीं है लेकिन यही है। उन्होंने अपने जैसों को जमा किया, उनके जैसे बहुत मिल जाते हैं और बहुत मिल जाते हैं, आज भी मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे लोग यहां पर अभी जमा हैं ऐसे बहुत कम हैं और बहुत कम मिलते हैं, और आगे और भी बहुत कम होंगे और बहुत कम मिलेंगे और बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, और कम होते होते फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और फिर इन चांद सितारों को कोई देखने वाला नहीं रहेगा, और फिर ये चांद सितारे भी नहीं होंगे, बस रहे नाम भगवान का, और इसी के साथ सन्नाटा छा जाता है। इधर कलीम को वापस पटना जाना था। उन्होंने 20-25 रुपए दरोगा जी को दिए और मिठाई मंगवाकर बच्चों में बंटवा दी। मिठाई आई, बच्चों में बांटी गई। कलीम अब वापस लौटने के लिए खड़े हुए तो राम खिलावन की बीवी और सोना रानी दो दो थाल लिए चली आई। पानी पी लो कलीम जी। अरे ये क्या सोना रानी, ये पानी पिलाना है या जान मारना है? ये थाल भर मिठाई, मैं तो बीमार हूं सोना रानी, मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। तब राम खिलावन की बीवी बोली, ना खाईवा तो जबरदस्ती ठूस के खिलाई वो। थोड़ी देर रहने के बाद कलीम वापस पटना की तरफ निकल जाते हैं। उस साल के बाद हर साल अपने दिल की बैटरी को चार्ज करने कलीम अपने आबाई वतन तिलहाड़ा जाया करते, पूरी बस्ती का तवाफ करते और जितने गंजे शहीदा थे उनके लिए फातिहा पढ़ लेते। ये पुकार सारे चमन में थी, वो सहर हुई, वो सहर हुई, मेरे आशियां से उठा धुआं तो मुझे भी इसकी खबर हुई। 8 नवंबर 1946 को आखिरी बार तिल्हाड़ा उस समय गए थे जब उन्हें 4 नवंबर को पता चला कि एक दिन पहले से ही तिल्हाड़ा मुहासरे पर है। दंगाइयों की भीड़ मुस्लिम बस्ती को चुन चुन कर आग के हवाले कर रही है और लोगों को मार रही है। तिल्हाड़ा में कलीम की मां उम्मत फातिमा और बहन बुन्नी सहित कई रिश्तेदार थे। 26 अक्टूबर को खुद कलीम ने अपनी मां और बहन को पटना से तिल्हाड़ा भेजा था और 6 दिन बाद फसाद की खबर आई।
हुआ कुछ यूं था कि 1943 में कलीम ने मैट्रिक बड़े अच्छे नंबर से पास कर लिया था, पर इसी बीच वालिद गुजर गए, जिसकी वजह से वो पटना कॉलेज में दाखिला लेकर क्लास भी ना कर सके। कुछ दिन बाद 1944 में कलीम के छोटे भाई अलीम अहमद बीमार पड़े। 2.5 साल इलाज चला और सितंबर 1946 में उनका इंतकाल हो गया। कलीम बहुत परेशान हो गए, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया, सबको लेकर पटना में किराए के मकान में रहने लगे। कलीम की माँ कलीम की हालत देखकर अपना गम भूल चुकी थी। वो कलीम को समझाने बैठी, अरे कलीम, ये तुमको क्या हुआ है? बाल बढ़े जा रहे हैं, कपड़े तेरे मैले रहते हैं, हर दम गुस्सा, हर दम चिड़चिड़। बेटा, भाई का गम किसको नहीं होए है, लेकिन ऐसे मत बन बेटा, अब तो सारा बोझ तुम्ही को लेना है बेटा। मासूम बहन को देख, छोटे भाई को देख, हमको देख, तुम्ही ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? हम तेरे बड़े भाई का घाव लिए बैठे हैं, तेरी बड़ी बहन को जीते जी गाड़ कर बैठे हैं, तेरे बाप को अल्लाह मियाँ के यहाँ भेज कर बैठे हैं, अब तो अलीम भी गया, क्या तू भी जाना चाहे है? हम तो तुहको देख देख कर सुन होवे जा रहे हैं, माँ बाप की दुहारी छोड़ पटना में बैठे हैं। देखो बेटा, बकरईद का दिन करीब आ रहा है, हमको घर जाना है, हम बकरईद में कभी घर से बाहर नहीं रहे हैं, सबकी तरफ से कुर्बानी करनी है, तुम अपने को संभालो बेटा, ताकि हमको ढारस रहे। माँ के वापस तिलहाड़ा जाने के बाद कलीम घबरा गए। वो इस सोच में पड़ गए कि माँ चली जाएंगी, बहन चली जाएगी, तो पटना में वो कैसे रहेंगे? आखिर 26 अक्टूबर 1946 को 29 जुल्कादा था, इसके अगले दिन बकरईद की तारीख शुरू होने वाली थी। इसी रोज कलीम की माँ और बहन वापस घर जाने को तैयार हो गए। ये तारीख कलीम की जिंदगी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस तारीख से आज तक कितनी तारीखें आई और गुजर गई, आफ्ताब तुलू हुए और गुरूब हुए, सुबह आई और शाम हुई, दिन आए और गुजर गए, महीने आए और चले गए, साल बदले, मौसम बदले, जमाने बदले, और सदियां आएंगी और गुजर जाएंगी, लेकिन कलीम के दिल के कैलेंडर पर ये तारीख हमेशा वैसी ही लटकी रहेंगी। छोटा भाई कमरे पर ही छोड़, 26 अक्टूबर की सुबह कलीम खुद और माँ बहन बुन्नी को लेकर नम आंखों के साथ पटना जंक्शन पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म पर माँ और बहन दोनों खुद को रोक ना सके। बहन जोर से रो पड़ी तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि बजाहिर रोने की कोई खास वजह ना थी। गाड़ी आई और रवाना हुई, दूर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माँ का चेहरा खिड़की से बाहर था। बहन दोनों हथेली पर टेके पूरी गर्दन निकाले कलीम की तरफ देख रही थी। वो दोनों रो रही थीं, इसलिए कि उन्हें फिर रोना नहीं था। कलीम खामोश थे, इसलिए कि उन्हें उम्र भर रोना था। मेरे लिए कैद सहर जो शाम नहीं है, रोता हूं कि रोने के सिवा काम नहीं है। 26 अक्टूबर को वो दोनों गईं और 28 को खबर मिली कि छपरा में फसाद हो गया है। फिर वहशतनाक खबरों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 4 नवंबर को कलीम ने खबर सुनी कि तिलहाड़ा पिछले एक दिन से मुहासरे पर है, लोग कत्ल किए जा रहे हैं। कलीम अपने 4-5 दोस्तों के साथ लगातार मदद की गुहार लगाते रहे, यहां तक कि 5 नवंबर हो गया। दोपहर गुजर गई, बिना भूख प्यास की परवाह किए 5 की सुबह से ही वो गांधी मैदान के पास मौजूद डॉक्टर सैयद महमूद की कोठी पर पहुंचकर उनसे मदद तलब कर रहे थे। सैयद महमूद उस समय बिहार के गृह मंत्री थे, पर वो अपने दावत में मसरूफ थे, कलीम की कहां सुन रहे थे। उनके यहाँ मेहमान आ रहे थे, दावत चल रही थी, बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम के रोगन को रुमाल में पोंछा जा रहा था। आखिर दोपहर 3 बजे काफी इल्तिजा करने के बाद आईजी से फोन पर बात कर एक ट्रक और 6 मिलिट्री वालों का इंतजाम हुआ। कलीम कोठी से निकलकर ट्रक पर सवार होने ही वाले थे कि कुछ गाड़ी आकर रुकी, उसमें से कुछ लोग उतरे। कलीम के एक साथी ने उनमें से एक शख्स से मुखातिब होकर पूछा, कहां से आ रहे हो महबूब साहब?
हम लोग तो तिल्हाड़ा जा रहे हैं, एक ट्रक और 6 मिलिट्री वालों का इंतजाम हुआ है। ये सुनते ही महबूब साहब के मुंह से एक आह निकली। आह, अब तिल्हाड़ा में क्या रखा है? वहीं से तो आ रहा हूं। मेरे और मेरे साथियों के कपड़े देखो, खून से सनी लाशों को ठिकाने लगाकर आ रहा हूं। बस्ती खत्म हो गई, तमाम मकान जल गए, सब लोग शहीद हो गए। महबूब आजाद हिंद फौज के कर्नल महबूब अहमद थे। ये सुनते ही कलीम बेहाल हो चुके थे। वो चीखते हुए वापस कोठी की तरफ पलटे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आइए, अपने मेहमानों को भी साथ लाइए। उनके रुमाल का रोगन देखा, इनके दामनों का भी रोगन देखिए। कुछ और लोग भी दावत से आए हैं। डॉक्टर साहब, इस दावत में शरीक न होने का आपको उम्र भर अफसोस रहेगा। क्या दस्तरखान था डॉक्टर साहब, इतना वसी दस्तरखान कहां बिछ सकता है डॉक्टर साहब? सैकड़ों मुर्ग मुसल्लम डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, आपकी अदाओं पर तो बारात की बारात कुर्बान हो गई। तेरा दर्द इतना बड़ा हादसा है कि हर हादसा भूल जाना पड़े है। कलीम बदहवास थे। अगले दिन बचे कुचे जख्मी लोगों का काफिला मिलिट्री ट्रक से आया। चंद जख्मी बुजुर्ग और जवान, दो एक बच्चियां और लोग। महफिल महफिल ढूंढ रहे हैं, टूटे हुए पैमाने हम। कलीम अस्पताल में मारे मारे फिरते रहे, जख्मियों को देखते रहे, दौड़ते रहे, आवाज देते रहे। अम्मा, अम्मा, बुन्नी, रशीदा। कहीं कहीं कोई पहचानी सूरत नजर आ जाती। कौन दरगाहन खाला? खून से नहाई हुई। हाँ कलीम, मैं हूं। और हुस्ना खाला, चंदा नानी, कसीमन नानी, और बताओ दरगाहन खाला, मेरी अम्मा और बुन्नी, रशीदा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। कलीम बेहोश हो चुके थे। उन्हें अस्पताल से घर पहुंचा दिया गया। वो दो दिन तक लगातार बेहोश रहे। तीसरे दिन अपने रिश्तेदार के साथ एक ट्रक पर सवार होकर कुछ मद्रासियों के साथ तिल्हाड़ा गए। कलेजा थाम लो, रुदादे गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। दूर से ही जामा मस्जिद की बुलंदी दिख रही थी। मस्जिद का अंदाज एक थके हुए जख्मों से चूर झूमते हुए मुजाहिद का सा था। जंग में सीना सिपर होकर लड़ा हुआ मुजाहिद साथियों की लाशों के दरमियान तलवार टेके, गिरकर मरने पर आमादा नहीं। मस्जिद का दरवाजा सीने के जख्म की तरह खुला हुआ था। उसके दरो दीवार से वो तमाम निशानियां व अलामत नजर आ रहे थे जो 3 दिन तक बस्ती में चला। कलीम मस्जिद की जियारत करने के बाद संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कई दर्जन शहीदों के खून का निशान देखते हुए आगे बढ़ते रहे। हर जगह तबाही का मंजर था। कलीम आगे बढ़ रहे थे। रिश्तेदार के जले हुए मकान देखते हुए, उन तमाम निशानियों को देखते हुए जिसे बकरईद की वजह से सजाया गया था, मस्जिद, ईदगाह और इमामबाड़े होते हुए उस मकान के पास पहुंचे जो 3 नवंबर से 3 दिन तक करबला बना हुआ था। ये वो मकान था जहां बस्ती की तमाम जवान बूढ़ी औरतें 3 दिन तक बेआबोदाना जमा हुई थी। ये ज़िलहज्जा के अशरे अव्वल का आखिरी दिन था। आखिर में महाज टूट गया। शहीद हुए लोग तलवार से ऐसे गले मिले थे जैसे कोई महबूब से मिलता हो। लिपट लिपट के गले मिल रहे थे खंजर से। बड़े गजब का कलेजा था मरने वालों का। अपनी आबरू बचाने को औरतों ने अपनी जान दे दी थी, कुएं में छलांग लगा दी थी। कलीम आगे बढ़ रहे थे उस कुएं की तरफ जहां उन्हें पर्दे की जरूरत नहीं थी। वो उनके लिए मरहम थे। किन के लिए? वही जिनको कलीम पुकारते थे। अम्मा, बुन्नी, रशीदा, तुम कहां बैठी हो अम्मा? आगे बढ़कर आवाज दी। तुम कहां हो अम्मा? बुन्नी कहां हो? रशीदा कहां हो? उधर से आवाज आती है। मैं यहां हूं बेटा, मैं यहां हूं भैया, हम लोग यहीं हैं बेटा, कुरान पढ़ रही हूं बेटा।
हम अम्मा के गले से लिपटे हुए हैं भैया। बेटा तुम्हें याद है, तुम एंट्रेंस का इम्तिहान देने वाले थे, पटना में पढ़ रहे थे, तुम्हारा टेस्ट होने वाला था। मुझे टाइफाइड हो गया था, घर में सिर्फ मैं थी और ये तुम्हारी बुन्नी और एक मामू। एक महीने टाइफाइड में रही लेकिन तुम्हें खबर नहीं दी। बुन्नी से खैरियत लिखवा लिया करती थी, न जाने तुम्हें कैसे खबर हो गई। तुम रातों रात पटना से तिल्हाड़ा आए, 2 बजे रात में तुम पुकार रहे थे। मैं अच्छी हो चुकी थी मगर कमजोर थी। मामू ने दरवाजा खोला, तुम आकर लिपट गए। अम्मा मुझे खैरियत ना दी। मैंने कहा, बेटा तू पढ़ने में मशगूल था, तुझे क्यों परेशान करती। मर भी जाती तो कोई बात ना थी, तुम आकर मिट्टी तो दे ही देते। बेटा अल्लाह ने मेरी बात सच कर दी और तुम्हें भी भेज दिया। बेटा 2 मुट्ठी खाक उठाओ और कुएं में डाल दो, तुम्हारा भी अरमान निकल जाए। बेटा तुम इस तमन्ना में थे कि अपनी बुन्नी को दुल्हन बनाओगे, लेकिन बेटा फिर मैं अकेली हो जाती। तुम्हारी नन्ही बुन्नी मेरे कलेजे से लगी हुई है, 3 दिन कलेजे से लगी रही और कलेजे से लगी चली आई। 3 दिन तक हम तुम्हें याद करते रहे और दुआ करते रहे कि कहीं तुम ना आ जाओ, तुम आ जाते तो मरना भी दूभर हो जाता। अब तुम आ गए हो तो जी चाहता है कि छिदे हुए सीने और कटी हुई गर्दन के साथ उठकर तुम्हें सीने से लगा लूं, लेकिन ये आदाब फना के खिलाफ है। जाओ बेटा, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जिंदगी में जितना करीब थी, मरकर उससे और करीब हो गई हूं। मैं तुम्हारे ख्यालों में रहूंगी, निगाहों में रहूंगी। मेरे ख्याल मेरी याद से तुम्हारे दिल की भट्टी गर्म रहेगी, तुम्हारी आंखें सैराब रहेंगी, तुम्हारी जुबान खुशगुफ्तार रहेगी। तुम कम सुखन थे, अब सुखनवर हो जाओगे। मैं तुम्हारी जुबान से बोलूंगी, तुम अपने अल्फाज में मेरी आवाज सुन लेना। मैं तुम्हारे अशआर में अपनी पुकार सुन लूंगी। अगर मैं तुम्हारे सामने मर जाती और तुम मुझे दफन कर देते तो तुम्हारी मोहब्बत का बड़ा हिस्सा दफन हो जाता, लेकिन मैं तुम्हारे दिल के अंदर जिंदा हूं। तुम्हारे जज्बात में एक लामहदूद खजाना बनकर छुप गई हूं। तुम इस खजाने से ढेर के ढेर लुटाते रहोगे और मैं इजाफा करती रहूंगी। मेरी खाक इस कुएं में तुम्हारी आवाज सुनती रहेगी। और यहीं से शुरू होती है वो जो शायरी का सबब हुआ, वो मामला भी अजब हुआ। मैं गजल सुनाऊं हूं इसलिए कि जमाना उसको भुला ना दे। ये कहानी किसी आम आदमी की नहीं है, बल्कि भारत के मशहूर शायर कलीम अहमद आजिज की आप बीती है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब वो जो शायरी का सबब हुआ में किया है। इस किताब के लिए भारत सरकार ने कलीम को पद्मश्री से नवाजा था।